हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्लास 12th का चैप्टर है और फिजिक्स का। इसमें आज हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग सब्सटेंस, कैसे वो चार्ज हम कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसके मेथड्स पढ़ेंगे इसमें हम। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो स्टेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टेटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट, कि कोई भी चार्ज या पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड स्टेटिक। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये मीनिंग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वेरीज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बाय मैटर। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक मैटर से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें चार्ज ट्रांसफर करने में या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में ये हमें हेल्प करती है। सो इसकी हम जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हैं ऐसे, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वेरीज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इफेक्ट बाय मैटर। और जो चार्ज है वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। हमारे पास क्वांटिटी टू टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैविंग अ डायरेक्शन ओनली इज स्केलर क्वांटिटी। और जो चार्ज की यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अगर हम क्यू को न्यूमेरिकल वे में लिखना चाहें, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, स्मॉल क्यू से, और इसको हम लिख सकते हैं, हमें करंट की वैल्यू, करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, आई इज अ करंट Q अपॉन T। इसमें से हम चार्ज को निकाल लेंगे, Q की वैल्यू हो जाएगी, T को हम इधर ले जाएंगे तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू T। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ज है, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, और ये हमारा करंट, और इसको टाइम। अगर हम इसके यूनिट देखें, जैसे Q इज इक्वल्स टू आई टी, तो इसमें जो ये करंट है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो मतलब इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम लिख सकते हैं इसके इक्वल है ये कूलम के इक्वल। तो ये चार्ज की यूनिट है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, और अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए एस, ऐसे हम इसको स्क्वेयर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है मेथड ऑफ चार्जिंग सब्सटेंस। मेथड ऑफ चार्जिंग सब्सटेंस, कि कैसे हम किसी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं, वो मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन जो ऑपोजिट फोर्स, जैसे कि अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसके ऑपोजिट कोई फोर्स लग रही है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। जैसे अगर आप सपोज करो, अगर हम यहाँ पे एक रॉड ले लें,
और इसमें जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं, और दूसरा वाला एक और रॉड ले लें उसके चार्जेस नेगेटिव हैं। तो इसको हम इस साइड को रब करेंगे और इसको इस साइड को रब करेंगे, तो इसमें क्या फोर्स निकलेगी, फ्रिक्शन फोर्स इसमें अप्लाई होगी और एक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर हमें इसकी लिखना हो इसके बारे में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट। वेन वी रब दीज ऑब्जेक्ट, अगर हम इस टू ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड गेट ट्रांसफर्ड वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड गेट ट्रांसफर्ड वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ड्यू टू दी विथ इस फ्रिक्शन से, चार्जिंग से, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट विल रिक्वायर द ऑपोजिट चार्जेस। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के पास ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, एक के पास पॉजिटिव तो दूसरे के पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। सेकेंड, देयर इज एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर, एंड थर्ड अगर हम डिस्कस करें, बॉडी विल गेन ऑपोजिट चार्ज, और दूसरी बॉडी के पास क्या आ जाते हैं, ऑपोजिट चार्ज वो गेन कर लेते हैं, बॉडी विल गेन ऑपोजिट चार्ज। और फोर्थ अगर हम बात करें, देयर इज डिफरेंट इन द मासेस ऑफ बॉडीज आफ्टर चार्जिंग, कि अगर इनका जो डिफरेंस है मास का, बॉडी ऑब्जेक्ट का उसका जो मास है वो क्या हो जाता है, चार्जिंग के बाद डिफरेंट हो जाता है, आफ्टर चार्जिंग मासेस विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। फिफ्थ, नॉर्मली इंसुलेटर चार्ज विद इट, बाय फ्रिक्शन मेथड अप्लाई करके हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इंसुलेटर चार्ज विद इट। नाउ दैट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तब वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। जैसे व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज कैप्ट इन with an uncharged conductor sharing the charge take place at a point of contact and both conductor with similar charge। एक हम insulator sphere ले लेते हैं, ये क्या आ गया, हम एक ले रहे हैं, consider uncharged metal sphere, यहाँ पे हम स्फीयर ले लेते हैं, ये हमारा अनचार्ज स्फीयर है और यहाँ पे हम इसको हैंग करके यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज अनचार्ज स्फीयर। अगर हम इसके पास अब एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके आएंगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड, इट हैज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, जो इस स्फीयर में टू पार्ट्स में ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके आए हैं हम, तो एक तरफ ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होके यहाँ पे हमें दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं, हो जाएगा ऐसे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कर देंगे अर्थ या ग्राउंड कर देंगे इसको, और जो हमारा स्फीयर है वो क्या रह जाएगा, सिर्फ ओनली
नेगेटिव चार्ज रह जाएगा यहाँ पे, और ये रॉड को भी हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यू कैन सी डैट हियर, आप यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं, और ये हमने लिया था एक नॉन कंडक्टर, दैट मीन्स इंसुलेटर। और अगर हम लें एक, अगर हम इसके एग्जाम्पल लें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जैसे हम पीसेस रख ले लेते हैं पेपर के, और स्केल को अपनी हैंड पे रब करके उस पीसेस को उठाते हैं, तो वहां पे भी एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, शीट्स ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टू वर्ड और चार्ज फॉर्म टू इंडक्शन दैट अपोजिट चार्ज गेट इंड्यूस नियर टू द कॉम। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉम या स्केल किसी की भी जो आपको सही लगे। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे चार्जिंग टू स्फीयर बाय इंडक्शन, चार्जिंग टू स्फीयर बाय इंडक्शन अब इसमें क्या होगा, टू स्फीयर ले लेंगे हम इसमें, और बाय कॉन्टेक्ट इसमें हम टू स्फीयर ले लेते हैं, दिस इज वन स्फीयर एंड दिस इज सेकेंड स्फीयर, और इसको हम थोड़ा क्लोज रखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंसुलेटिंग इंसुलेटर, ये ए ये बी। ठीक है, अब इसके पास अगर हम एक रॉड लेके आएंगे, डेट इज पॉजिटिव चार्ज रॉड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऑपोजिट पार्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इंसुलेटर। अगर हम ये अब इनको डिफरेंट कर दें, इनको अलग कर दें, दूर कर दें, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे अभी ग्लास रोड है, अभी हमने रिमूव नहीं किया, अभी सिर्फ हमने सबसे पहले इन स्फीयर्स को रिमूव किया है, और ये हमारा बी स्फीयर था और ये हमारा ए स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ग्लास रोड को मूव कर देंगे तो भी ये चार्ज ऐसे ही रहेंगे, चार्ज चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो हम ग्लास रोड मूव कर देते हैं, तो जो हमारे पास दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, और ये जो चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इंसुलेटर, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इंसुलेटर। तो ऐसे हम बाय इंडक्शन मेथड से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव ऑफ, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब एडिटिव नेचर से आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब एडिशन, समथिंग कुछ एडिशन हो रहा है, सो फर्स्ट वी विल राइट हियर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर होता है जैसे कि अगर हमारे पास एक बॉडी में चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो अगर हमने इसका टोटल चार्ज फाइंड करना है डेट इज Q, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इनका। इफ यू विल फाइंड हियर फॉर टोटल चार्ज इन द इन दिस ऑब्जेक्ट, सो वी विल फाइंड दिस
particular charges, we will add these particular charges, then we will get here total charges on this object. Next hai conservation of charge. Conservation of charge. According to it, total charge in isolated system is always conserved. जो isolated system में जो charge होता है वो हमेशा क्या होता है, conserved होता है. जैसे कि अगर हम बात करें in pair production gamma ray की, अगर production की बात करें तो इसमें एक photon और एक electron form होता है with matter and produce electron and positron. This is called positron and this is electron. Positron having positive charge and electron having negative charge. Antiparticle of electron having same mass but opposite charge, that is positive charge, is called positron. Now next, agar hum baat kare yahan pe next property ki, quantization of charge. Quantization of charge. इसमें क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड हो जाता है. दैट मींस अकॉर्डिंग टू इट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सेम बेसिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. मतलब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट है वो इक्वल होता है, तो उसकी वजह से हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई. और इसमें ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10⁻¹⁹ कूलम. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ओनली ये ओनली होते हैं सिर्फ होल नंबर, मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, अप टू इंफिनिटी, दैट इज पॉजिटिव नंबर. एंड क्यू इज अ चार्ज जो अभी हमने ऊपर किया है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज. चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी. ये जो है, जो मैग्नीट्यूड तो होता है बॉडी का बट वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. नॉट डिपेंड ऑन स्पीड. सो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज चार्ज की. और अभी हमने मेथड किया कि किस मेथड से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमने थ्री मेथड्स किए. और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेरिवेशन, जो कि कूलम लॉ कैसे हमारे पास आया और उसका फॉर्मूला कैसे बना, तो हम कूलम लॉ ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो, और आई होप कि ये इंजॉयबल भी हो आपके लिए. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ करेंगे. अगर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करते. थैंक यू.